नमस्कार दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से मैं एम्पियर प्राइमस के ऊपर वीडियो बनाए जा रहा हूँ। उन वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, काफ़ी कमेंट्स भी किया आप लोगों ने, वीडियो को लाइक भी किया, चैनल को सब्सक्राइब भी किया। बाकी बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का, तो उन्हीं वीडियो पर आप बहुत जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो उन्हीं कमेंट्स का जवाब मैं अभी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, मैं वन बाय वन करके एक एक कमेंट्स आपके सामने पढ़ूंगा और उनके जवाब आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं वीडियो चला लेता हूं, जो मेरा लास्ट वीडियो डाला था मैंने। तो दोस्तों, एक भाई पूछते हैं कि रेंज कितनी निकली। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर की गाड़ी चलाई थी उस दिन टेस्ट राइड के लिए। जब मैं बाहर गया था तो मैंने 20-25 किलोमीटर की गाड़ी चलाई थी, तो अभी तक रेंज टेस्ट तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक की नहीं है। बाकी मैं अगर आपको बता दूँ तो कंपनी जो क्लेम करती है वो 120 किलोमीटर इस पर क्लेम करती है इको मोड में। तो इको मोड में अगर आप चलाते हो तो आप 120 किलोमीटर चला सकते हो, या फिर आप 110 या 120 किलोमीटर तो आराम से इसकी रेंज निकल जाएगी। या फिर जिस दिन मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा तो उस दिन मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि इको मोड में या इको मोड में और सिटी मोड में और पावर मोड में क्या क्या स्पीड होती है। वैसे नॉर्मली दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, जो कंपनी क्लेम करती है वो इको मोड में 120 किलोमीटर, सिटी मोड में 107 किलोमीटर और पावर मोड में 180 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। तो दूसरा कमेंट मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। एक भाई लिखते हैं, बहुत महंगी है पेट्रोल वाली बाइक ही ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करेगा, लोग इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हो रहा है उस हिसाब से लोग इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पेट्रोल की बाइक खरीदते हो, आप लाख रुपए खर्च करके भी पेट्रोल की बाइक खरीदते हो, उसके बाद में आप डेली का उसमें 100 का, 50 का या 200 का जो भी है पेट्रोल उसमें डलवाते हो, तो आपके खर्चा होने के बाद भी खर्चा है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक है इसमें यही फायदा है कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपने एक बार लाख रुपये खर्च कर दिया तो आपको आने वाले 2-3 सालों तक कोई पैसा पेट्रोल में कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा मेंटेनेंस होता है, सर्विस होती है, उसके आपका कुछ ज़्यादा तो चार्ज लगता नहीं है। 300-400 रुपये में सर्विस होती है, जो आपको शोरूम पे पता कर लेनी है कितने कितने किलोमीटर पर क्या सर्विस होती है, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, एक भाई पूछते हैं, मैंने बुकिंग की हुई है लेकिन ये मुझे कब तक मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वैसे तो ये स्टॉक हमारे पास होली बाद या 15 तारीख तक आने वाला है, तो हो सकता है आपको 15 तारीख के बाद इसकी डिलीवरी मिल जाए। एक भाई ने लिखा है, आपने आगे नहीं जाने दिए, नहीं तो 85 प्लस की स्पीड मिलती है। ये भाई सही बोल रहे हैं। मैंने क्या है, उस दिन जब मैंने 20-25 किलोमीटर चलाई थी तो मैं सिटी वाले एरिया में गाड़ी चला रहा था, तो वहाँ पर मैं 78 से ज़्यादा गाड़ी को चला ही नहीं पाया, क्योंकि थोड़ी सी आगे जाते ही गाड़ी आ जाती थी या ट्रैफिक आ जाता था या फिर सिग्नल वगैरह, तो मैं 70-80 से ऊपर जा ही नहीं पाया। बाकी मैंने इस गाड़ी को चलाया था डबल लोड में, 85 प्लस की स्पीड पर चल जाती है ये। एक भाई ने क्या लिखा है, ऑडियो क्वालिटी इज पुअर। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं एक मतलब जो नॉर्मली जो अपना फ़ोन होता है मोबाइल फ़ोन, उसी से शूट करता हूँ, कोई माइक वगैरह कोई कुछ नहीं होता। फ़ोन का ही जो माइक है उसी में जो कुछ रिकॉर्ड होता है वो सब कुछ उसी में होता है, मैंने अलग से कोई माइक लगाया हुआ नहीं है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे माइक भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखा करें टाइम टू टाइम, जब भी मैं डाल देता हूँ आप वीडियो को देख लिया करें और लाइक कर दिया करें। एक भाई ने कमेंट किया है कि इसकी 30,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी है क्या। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, 3 साल और 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी है इसकी। अगर इसके बीच में अगर आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी आपकी बैटरी। और दूसरा, आप 2 साल की वारंटी एक्स्ट्रा भी करवा सकते हैं, उसका कुछ चार्ज लगेगा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कितना चार्ज लगेगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इसकी वारंटी एक्सटेंडेड प्लान करवाते हैं तो आपको 3 साल प्लस 30,000 और प्लस 2 साल और 20,000 किलोमीटर आपके और बढ़ जाएंगे, यानी कि 5 साल 50,000 किलोमीटर आपकी इसकी वारंटी हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट क्या देखते हैं, एक भाई लिखते हैं कि भाई एक बार बैटरी फुल चार्ज करके इसकी रेंज निकाल के दिखाओ, मुझे बुक करवानी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप बुक करवा दीजिए, रिफंडेबल अमाउंट रहेगा, 499 में भी आप गाड़ी को बुक कर सकते हैं। बाकी जो बता रहे हैं आप एक बार रेंज टेस्ट का वीडियो, तो मैं आप लोगों को रेंज टेस्ट भी करवा के दिखा दूंगा, एक फुल रेंज टेस्ट वीडियो भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा। एक भाई लिखते हैं, ओला S1 में भी मिड ड्राइव मोटर आ रही है और इसी सेम प्राइस में, तो कौन सी लें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हैं ओला में और हमारा जो एम्पियर है इसमें, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें लिथियम
फेरोफॉस्फेट की बैटरी मिलेगी, जो अभी तक मतलब बहुत कम गाड़ियों में या अभी तक नहीं के बराबर ही यूज़ हो रही है, जो कि प्राइमस में आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों इतने कमेंट आए हुए थे आप लोगों के, जिनके मैंने आप लोगों को जवाब दे दिए, और भी कई दोस्तों के कमेंट थे, जैसे ऑन रोड प्राइस क्या थी वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई दी थी। एक बार फिर बता देता हूँ कि ऑन रोड प्राइस जो माल जो जयपुर में रहने वाली है वो 125 से 126 के बीच में करीब करीब रहने वाली है, और एक शोरूम प्राइस जो रहेगा वो 1,10,000 के करीब करीब रहने वाला है। तो आप अपने स्टेट में पता कर लीजिएगा कि कितने कितने की आपको मिल रही है वहाँ पे। एक भाई ने कमेंट किया है कि आप गाड़ी चला रहे हो और तीनों मोड़ों की टॉप स्पीड क्या क्या रहेगी, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप इको मोड में चल रहे हो तो आपकी टॉप स्पीड रहेगी 42 लास्ट आपकी टॉप स्पीड रहेगी, और आप सिटी मोड में चल रहे हो तो 60 के करीब आपकी टॉप स्पीड रहेगी, और अगर आप पावर मोड में चल रहे हो तो आपकी 85 प्लस टॉप स्पीड रहने वाली है। तो दोस्तों एक भाई लिखते हैं कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, जयपुर में आपको 10,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी प्राइमस पे। एक भाई ने लिखा है कि एम्पियर प्राइमस की डिलीवरी कब मिलेगी, मैंने बता दिया आप लोगों को 15 तारीख या 16 तारीख के बाद ही आप लोगों को डिलीवरी मिल पाएगी, बस आप बुकिंग करके रखें। अगर बुकिंग नहीं किया तो आपको डिलीवरी नहीं मिल पाएगी, आप अगर बुकिंग कर लेते हैं आज ही तो आप लोगों को डिलीवरी 15 या 16 तारीख तक मिल सकती है। तो एक भाई लिखते हैं कि आप बोलते हो कि LFP लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी है, लेकिन बैटरी पे तो लिथियम आयन लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि वो बाई मिस्टेक या फिर गलती से स्टिकर लगा हुआ आ गया है, बाकी बैटरी जो है वो लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी है। और बैटरी में क्या लगे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लिथियम फेरोफॉस्फेट होता है ना वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, और जो 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी बैटरी को आपको आपकी बैटरी को ठंडा रखता है, ज़्यादा गर्म नहीं होने देता। इससे क्या है कि जो आग लगने के जो चांसेस होते हैं ना वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और वैसे आप लोगों ने आज तक देखा होगा कि एम्पियर की किसी भी गाड़ी में आज तक आग नहीं लगी, क्योंकि जो इसकी बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग जो डिज़ाइन है ना वो कुछ अलग ही तरीके से, और अब तो लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी आ गई है LFP की, तो आग लगने का चांस वैसे भी नहीं था पहले, और अभी जो है वो बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर ही आप समझे कि आग लगने का कोई ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है। तो लिथियम फेरोफॉस्फेट की ही बैटरी है, वो गलती से या बाई मिस्टेक हो गया था या फिर कुछ गाड़ियों में आया है। बाकी जो नेक्स्ट स्टॉक में आप देखोगे तो आपको लिथियम फेरोफॉस्फेट की ही बैटरी देखने को मिलेगी। तो एक भाई लिखते हैं जो ऑन रोड प्राइस है 1,25,000 या 26,000, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ उसमें सब कुछ इंक्लूड है। 1,26,000 इसमें RTO, इंश्योरेंस, एसेसरीज, हैंडलिंग चार्ज, RSA और एसेसरीज, ये सब कुछ आप लोगों को 1,26,000 में जो भी ऑन रोड प्राइस रहेगा उसमें आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैंने आपके सारे कमेंट्स और जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह थे उन सब का मैंने जवाब आपको दे दिया है, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूँगा आपके।